तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी क्लास 11th की आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 15। जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 15 सभी को अपनी स्क्रीन पे पूरी तरह से नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को अगर इस एग्जाम्पल 15 को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ सेवन कार्ड इज ड्रॉन अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स ऑल किंग्स थ्री किंग्स एट लीस्ट थ्री किंग्स। तो बच्चों अगर आपसे ये कहा जाता कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स निकालने हैं, अब वो 7 कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं, वो किंग के भी हो सकते हैं, क्वीन के भी हो सकते हैं, जैक के भी हो सकते हैं, एस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि अगर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, जिसको मैंने आपको लिखना भी सिखाया था। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, फोर होते हैं, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी सैंपल स्पेस में हम फोर लिखते हैं। वैसे ही बच्चों अगर हम ताश से सात पत्ते निकालेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ बेस क्या हो सकते हैं, वो होंगे 52C7। तो क्या सभी को क्लियर है ये 52C7 अगर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं, वो 52C7। लेकिन अगर ये कहना चाह रहा है कि ये अगर सात पत्ते निकाले तो उसमें अपनी एक फेवरेबल इवेंट बता रहा है कि उसमें सारे किंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सारे किंग, तो तुम कहोगे सर जो ताश होती है उसमें अगर हम सारे किंग की बात करें तो उसमें चार ही किंग होते हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो सर अगर हम चार उन पत्तों में से जो अभी आपने चार पत्ते बताए, अगर हम उन चार पत्तों से चार पत्ते ले तो उसका तरीका क्या होगा, 4C4। क्योंकि अगर हम स्पेड से, क्लब से, डायमंड से, हार्ट से, इन चारों से अगर हम चार पत्ते सेलेक्ट करें तो उसका तरीका क्या है, सिर्फ एक ही तरीका है। और अगर आप उसको कॉम्बिनेशन की तरीके से इतना लिखना चाहते हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 4C4 लिखेंगे। लेकिन बच्चों आपको सेलेक्ट कितने पत्ते करने हैं, सात करने, चार आप कर चुके हो, तो ये चार पत्ते आप 52 में से हटा दो क्योंकि चार पत्ते तो आप सेलेक्ट कर चुके हो और वो फिक्स है, आपको पता भी है। यानी बचे हुए पत्ते आप कहां से सेलेक्ट करोगे, 52 माइनस 4 यानी कि 48, यानी कि अगर हम 48 से बाकी बचे हुए तीन पत्ते निकाल लें तो हमारे पास टोटल 7 कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई कि वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो बच्चों हम न्यूमिरेटर में क्या रखेंगे, अपनी फेवरेबल इवेंट, तो ये बच्चों हमारी फेवरेबल इवेंट हो गई 4C4 × 48C3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 52C7। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि हमारी फेवरेबल इवेंट जो है वो तीन किंग के लिए है, यानी कि जो आप सात पत्ते निकाल लें उसमें तीन पत्ते तो किंग के होने चाहिए। तो तुम कहोगे सर अगर हम उन चार पत्तों से तीन पत्ते लेना चाहें तो हमारे पास उन तीन पत्तों में किंग ही आएगा, तो चार पत्तों में से अगर हम तीन पत्ते लेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका होगा 4C3, लेकिन हमको सात पत्ते लेने हैं, तो यानी कि अगर हम उन ताश में से इन चार पत्तों को हटा दें और बचे हुए जो 48 पत्ते उनमें से चार पत्ते लें तो हमारे पास सात पत्ते फिर से आ जाएंगे। यानी अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। उसके बाद बच्चों यहां पे देखो, यहां पर वही आ गया समोसे वाला एग्जाम्पल, लिखा है एटलीस्ट थ्री किंग्स यानी कि कम से कम तीन किंग होने ही चाहिए, तो इसका मतलब बच्चों तीन किंग भी हो सकते हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो तुम कहोगे सर तीन से ज्यादा तो चार ही किंग होते हैं ना, इससे ज्यादा तो होते नहीं है। यस, तो बच्चों आप क्या कहोगे कि एटलीस्ट थ्री किंग का मतलब या तो तीन किंग लो, कितने में से लोगे, उन चार पत्तों में से, यानी कि 4c3। मेरी बात समझिएगा, या तो तीन किंग लो या तो चार किंग लो। तीन किंग लोगे तो उसका फेवरेबल अभी आपने निकाला था, अगर आप तीन किंग लेते हो तो उसका मैंने अभी तरीका बताया था, तीन किंग को लेने का तरीका है 4c3 × 48c4 डिवाइडेड बाय 52c7। ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई तीन किंग की। ठीक है, समझ में आया। प्लस बच्चों एक और मेथड भी हो सकता है, आप क्या ले सकते हो, चार किंग भी ले सकते हो, यानी कि 4c4 लिखोगे और बाकी बचे हुए 48 में से बाकी तीन पत्ते लोगे अपॉन 52c7। तो तुम कहोगे सर ये तो ओवरऑल ये हो गया कि फर्स्ट और अगर हम सेकंड पार्ट को दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आप आंसर निकाल चुके हैं, इनको आप आपस में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 46/7735। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? क्वेश्चन काफी इजी था और ये सभी को समझ में आ भी गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 16 की तरफ। तो बच्चों एग्जाम्पल 16 कुछ नहीं है, एग्जाम्पल 16 सिर्फ इतना बताता है कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें ए और बी डिपेंडेंट इवेंट्स है, जैसा कि आप जानते हैं इसको मैंने आपको बताया भी था, तो ए और बी अगर डिपेंडेंट इवेंट्स है तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि जो ए यूनियन बी होगा वो ए यूनियन बी क्या होता है, Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। हम इसको माइनस क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि एक बार रिपीट हो जाता है इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल मैंने 16 लिया है, उस 16 वाले एग्जांपल में आपको एक चीज सिखाई गई है कि जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा ही क्या हो, जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा ही दो इवेंट्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये सी हो गया। तब आपसे क्या पूछा जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी आप कैसे निकालोगे बताइए, तब आप लिखोगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचोगे तो प्रैक्टिकली सोचने में उसका जो फॉर्मूला क्रिएट होगा बच्चों वो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। समझ में आया? फिर आपको माइनस करना पड़ेगा जो कॉमन रीजन है, जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस करना पड़ेगा उसमें एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करना पड़ेगा उसमें एन सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों को माइनस करेंगे तो बच्चों ये कॉमन वाला रीजन भी गायब हो जाएगा, और कॉमन वाला रीजन भी अपने आंसर में होना चाहिए, तो हम उसको क्या कर देते हैं आखिरी में ऐड कर देते हैं, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुल मिलाकर के बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिए, अगर आपको निकालनी हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आप कैसे निकालेंगे, वो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो वेन डायग्राम से भी समझ करके इसकी प्रूविंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर के आपको ये बच्चों एक आइडेंटिटी लर्न करनी है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आप इस आइडेंटिटी को एडिशन फॉर्मूला के नाम से भी जानते थे जब आप सिर्फ दो इवेंट्स होती थी ए और बी, लेकिन अगर दो से ज्यादा इवेंट्स होंगी तो आपको ये आइडेंटिटी इस तरीके से पता होनी चाहिए। आप चाहें तो उसको वेन डायग्राम बना के जैसी रीजन शेड करेंगे आपको अपना एरिया दिखना लगेगा। मेरे ख्याल से यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो बच्चों अगर समझ में आ गया है तो हम लोग यहां से अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और चलते हैं सीधा सीधा अपनी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम लोग वापस कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 16। तो अब बच्चों हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 16। ठीक है, दिस इज योर हेडिंग।
तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है आपका जिसको मैं शेड किया हूं। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। ओके, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। तो बच्चों क्वेश्चन तो काफी इजी है, अपनी अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करिए। मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे इसको ब्लिंक कर देता हूं, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सब लोग पहले इसको क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले बॉक्स में क्या है बच्चों, 10 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है, तो मैं 10 रेड मार्बल्स लिख देता हूं, ठीक है। प्लस क्या है, 20 ब्लू मार्बल्स है, 20 में ब्लू मार्बल्स लिख देता हूं, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपके पास 30 ग्रीन मार्बल्स हैं, 30 में ग्रीन लिख देता हूं, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास मार्बल्स गिवन है, यानी टोटल मार्बल्स बच्चों कितने हैं जरा गिन के बताएंगे। टोटल मार्बल्स हैं 60, कितने हैं 60 मार्बल्स हैं टोटल, और आपको निकालने कितने हैं बच्चों, 5 मार्बल निकालने। अब बच्चों 60 में से 5 मार्बल निकालने के टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, वो होंगे 60C5। क्या होंगे, 60C5। तो उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बेस ऑफ ड्रॉइंग 5 मार्बल्स फ्रॉम 60 मार्बल्स। अब बच्चों उसमें सारी कंडीशंस आ सकती हैं, ये तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो गए, तो उसके तरीके हो जाएंगे 60C5, यानी 60 में 20C5 अपॉन 60C5। ओके, तो अब ये बच्चे ने आंसर बताया, इसको मैच कर लेते हैं। इसने कहा है सारे मार्बल आपके ब्लू होने चाहिए, तो बच्चों फेवरेबल इवेंट में आपको पास चाहिए कि सारे मार्बल ब्लू होने चाहिए। तो अगर हम ब्लू में से ही वो 5 मार्बल ले लेंगे तो हमारे पास जो मार्बल्स होंगे 5 वो 100% ब्लू होंगे। यानी अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लें तो उस बच्चे ने सही बताया कि अगर हम 20 ब्लू मार्बल से ही 5 मार्बल्स ले लें और टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर दें तो ये सर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए और आपको ताश वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तभी आपने एकदम एग्जैक्ट इसका सही आंसर बताया। अब बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, इसका मतलब एक ग्रीन हो सकता है या सारे भी ग्रीन हो सकते हैं, पांचों के पांचों ग्रीन हो सकते हैं। ग्रीन है कितने, 30 हैं। तो तुम कहोगे सर अब इसमें तो क्या करें, अब इसमें क्या करें, तो आप सोच के बताओगे क्या करें। कहोगे सर इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, सर इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, क्योंकि सर एक ग्रीन लो फिर उसमें से ब्लू ले लो और रेड भी ले सकते हैं, फिर 2 ग्रीन लो फिर ब्लू लो फिर रेड भी ले सकते हैं, फिर 3 ग्रीन लो ब्लू भी लो फिर रेड भी ले सकते हैं। तो सर यहां तो खूब सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने कहा खूब सारी पॉसिबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहे हो, इसको उल्टा भी तो कर सकते हो। उल्टे का मतलब ये होता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये बताओ आपकी इवेंट यहां पर क्या है, एटलीस्ट 1 विल बी द ग्रीन, यानी कम से कम एक ग्रीन हो या सारी ग्रीन हो। हम उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं हम कोई भी ग्रीन बॉल ना निकालें, हम उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं हम कोई भी ग्रीन बॉल ना निकालें। तो कोई भी ग्रीन बॉल ना निकालो, उसके नंबर ऑफ वेस कितने होंगे वो हमको बता दो। कोई भी ग्रीन बॉल ना निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको बता दो। तो तुम कहोगे सर अगर एक भी ग्रीन बॉल नहीं लेंगे तो ये तो हमारा हट जाएगा 30 ग्रीन मार्बल्स, यानी हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 10 और 20, यानी कि 10 और 20 मिलाकर के आप इन रेड और ब्लू मार्बल्स से ही बाकी बचे मार्बल्स निकालो, यानी 10 और 20 को मिला के कितने हुए 30। अगर हम इन 30 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 60C5 से, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो हमारे पास ये कौन सा आंसर आ गया, इस आंसर में हमारे पास एक भी ग्रीन बॉल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आंसर को
वन से माइनस कर दे तो हमारे पास वो वाले तरीके आ जाएंगे जिसमें एक ग्रीन बॉल भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये इवेंट है पीई कॉम्प्लीमेंट, तो आपने क्या किया, आपने पहले पीई निकाला और पीई कॉम्प्लीमेंट का सम उसके साथ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, समझ में आया। तो आपने पीई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या किया, वन माइनस पीई कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को रिवर्स सोच करके जल्दी किया जा सकता है। क्या समझ में आया सबको, समझ में आया? यस सर। ओके, तो समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास आ गया है, उसको भी करना आप स्टार्ट करिए। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्दर आगे, और इस क्वेश्चन को पहले बच्चों सभी लोग आप लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, इसकी टोटल पॉसिबिलिटी तो हम आपको बता देते हैं, विच इज 52C4, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे चार कार्ड्स निकालने के लिए 52 में से, 52C4, ठीक है। अब ये कह रहा है जो चार कार्ड निकालो उसमें से क्या होना चाहिए, तीन डायमंड का होना चाहिए और एक स्पेड का होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर डायमंड के टोटल कार्ड होते कितने हैं, बताइए डायमंड के टोटल कितने कार्ड होते हैं, डायमंड के कितने होते हैं 13, स्पेड के कितने होते हैं 13। तो तुम कहोगे सर हम क्या करते हैं, पहले हम 13 डायमंड में से तीन कार्ड निकाल लेते हैं और 13 स्पेड में से एक स्पेड का कार्ड निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये टोटल चार पत्ते हो जाएंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 52C4 से। किसे डिवाइड करेंगे, 52C4 से, तो हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी अगर आप क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ चुके हैं तो क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए स्टार्ट करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है बच्चों, यहां पे लिखा है अ डाई हैज टू फेसेस ईच विद नंबर वन, ठीक है, अ डाई हैज टू फेसेस ईच विद नंबर वन, थ्री फेसेस ईच विद नंबर टू एंड वन फेस विद नंबर थ्री। ऐसा कुछ है, मतलब इसने डाई हमें लगता है अपने हाथ से बनाया है घर में बैठ करके, है ना, मींस डाई फाइव फेस की है। हाँ, अजीब तरह की है। अ डाई हैज टू फेसेस ईच विद नंबर वन एंड थ्री फेसेस ईच विद नंबर टू एंड वन फेस विद नंबर थ्री। नहीं, डाई है तो सिक्स फेस की, क्योंकि टू फेस आपके ये हो गए, थ्री फेस आपके ये हो गए और वन फेस आपका ये हो गया। हाँ, ये सही है सर, है ना, तो है तो सिक्स फेस की, ये जो नंबर है ये थोड़ा अजीब टाइप के है। वैसे हम लोग ने तो ऐसा कभी डाई देखा ही नहीं, जैसे खोटे सिक्के में दोनों तरफ हेड हेड होता है या दोनों तरफ टेल टेल होता है, तो उसी तरह से ये खोटा डाई है, कई जगह इसने टू और कई जगह वन रखा है। तो इस तरह के डाइस का यूज किया जाता है कसीनो में जिताने के लिए। चलिए, तो हम लोग यहां पे कसीनो तो खेल नहीं रहे, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बताओ दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P2 मतलब दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो तुम कहोगे सर दो जो दो है उसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस है उसके दो वाले तीन। तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ फेसेस, पूरा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, इसके टोटल
नंबर ऑफ फेसेस जो है वो है 6, ठीक है, और यहां पर है नंबर ऑफ फेसेस 6 विद नंबर 2, विद नंबर 2 वो कितने 3, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 2 आ जाए तो आप क्या कहोगे सर? 3/6 होगी, क्योंकि यहां पर 2 वाला फेस, ऐसे समझ लो 2 वाला फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 वाला फेस कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यानी कि 3/6। ये तो ऐसे कोई बहुत जहरीला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी तरह से कह रहा है 1/3, तो कह रहा है 1 आ जाए और 3 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 1/3, यस 1/3। अगर आप इसको नहीं समझ पाते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 आ जाए या 3 आ जाए, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट 2 या 2 ना आए, या 2 ना आए, ऐसे भी तो समझ सकते हो, 1 आ जाए या 3 आ जाए लेकिन 2 ना आए, तो सेकंड पार्ट का ऐसे भी मतलब समझ सकते हो, या जैसे आप समझना चाहो वैसे समझ लो। मैंने तो इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 वाली प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, तो नॉट 2 वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1-3/6, मतलब 1-1/2, तो 1-1/2 कितना होगा, हाफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। थर्ड कह रहा है नॉट 3, 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां पर 3 नहीं आना चाहिए, तो बताओ सबसे पहले 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 3 कितनी फेसेस पे, 1 फेस पे, 1/6, तो नॉट 3 लिखा है, तो नॉट 5/6, 1-1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। क्वेश्चन तो इजी है भाई, मिसलेनियस के क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है, सभी बच्चे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना चालू करें, सारे बच्चों से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्या सभी से क्वेश्चन हो रहे हैं? यस सर। ओके, अगर सभी से क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट करिए सभी लोग। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन, सब बच्चे पढ़ें, इन अ सर्टेन लॉटरी टिकट्स, और वो 10,000 है, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइजेस इफ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट, 10 टिकट। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वो है कितनी जो बेची, 10,000 सर, कर लेंगे, 2 मिनट दीजिए, कर रहे, हाँ करो करो, और 10,000 में से जो प्राइस है वो सिर्फ 10 टिकट्स पे है, ये याद रखिएगा, 10,000 में से जो प्राइस है वो सिर्फ 10 टिकट्स में है। सर पहले गेटिंग का प्राइस निकाल लेंगे, मतलब कितने में मिल सकता है, फिर उसको माइनस करा देंगे। यस, और क्या, तो सबसे पहले प्राइस आने की 999/1000। यस बेटा, यस सर, पहले आप क्या करो, गेटिंग अ प्राइस आने की प्रॉपर्टी निकाल लो, तो वो आ जाएगी 10/10,000, 1/1,000, फिर उसकी प्रॉबिलिटी निकाल दो कि नॉट गेटिंग अ प्राइस, नॉट गेटिंग अ प्राइस, तो नॉट गेटिंग अ प्राइस की प्रॉबिलिटी होगी 1-1/1000 विच इज इक्वल टू 999/1000, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, लिखा है 2 टिकट्स, ध्यान दीजिएगा, 2 टिकट्स, अब यहां पे सारा काम है 2 टिकट्स पे, अगर बच्चों 2 टिकट्स से पे काम हो रहा है तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि पहले तो आपको 10,000 में से 2 टिकट्स लेने का तरीका पता होना चाहिए, कि 10,000 में से अगर हम 2 टिकट्स लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज आपको पता करने होंगे, क्योंकि पहले तो 1 टिकट थी, तो हम 10,000 C1 लिखें या सिर्फ 10,000 लिख दें,
बात तो एक ही है ना, लेकिन यहां पे ले रहा है कि अब दो टिकट के बारे में कह रहा है। तो दो टिकट के लिए सबसे पहले अगर हम दो टिकट को लेने के नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो दो टिकट को लेने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10,000 C2। ठीक है, अब हमको दो टिकट लेने पर जीतना नहीं है, मेरी बात समझिएगा, दो टिकट लेने पर जीतना नहीं है, क्योंकि लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, मतलब प्राइज नहीं मिलना है, मतलब जीतना नहीं है। तो तुम दो टिकट कहां से लोगे? अगर 10 में से दो टिकट ले लोगे तो तुम जीत जाओगे। तुम क्या करो, 10,000 में से तुम क्या करो, उल्टा काम करो, 10,000 में से वो 10 टिकट माइनस कर दे जो प्राइस वाली है, यानी बाकी बची हुई टिकट हुई 9,990। इसका मतलब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि नॉट गेटिंग अ प्राइस, ये जो दो प्राइस है, नॉट गेटिंग अ टू प्राइस, टू टिकट्स, मतलब चाहे प्राइस ही लिख लो, तो वो हो जाएगा 9,990 में से अगर हम दो टिकट्स लेते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 9,990 में से अगर हम दो टिकट्स लेते हैं तो हम 100% नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमने वही दो टिकट ली हैं जिसपे प्राइस नहीं मिल रहा है। हो गया। उसके बाद बच्चे उसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है, अब वहां पर कुछ और डाटा है, यहां पे लिखा है कि 10 टिकट्स के लिए आपको यही काम करना है। तो तुम कहोगे सर अगर हम 9,990 में से 10 टिकट लेंगे तो उसके नंबर ऑफ वेज ये होंगे, यानी कि 9,990 में से अगर हम 10 टिकट लेते हैं तो हम 100% नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये वो वाली टिकट है जिसमें प्राइस नहीं है, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज से, यानी 10,000 C10s। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों समझ में आ गए? यस सर। ओके, बाकी बच्चे कहां पर हैं, हाजिर हो, कौन कौन है और क्लास में? ओके भाई, सभी लोग हैं क्लास में? ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ से अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, हालांकि मैंने एक्सप्लेन तो काफी ज्यादा किया है, तो समझ जाना चाहिए बस यही है और क्या। तो मेरे ख्याल से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन बस और कर देता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बच्चों और कर देते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम अब तक आपको टच नहीं की गई है, तो मैं आपको बता तो दूं। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन सभी लोग करना स्टार्ट करिए, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं फिफ्थ के बाद, क्योंकि क्वेश्चन अब आपको इजी लग रहे होंगे। स्टार्ट करिए सभी बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन करना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स टू सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, what is the probability that you both enter the same section, you both enter the different section। यानी कि बच्चों 100 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से सेक्शन बनाए गए हैं, एक 40 बच्चों का, एक 60 बच्चों का, और अब आपको क्या करना है, यहां पे दो लोग डिसाइड किए गए हैं, एक हम और एक तुम, ठीक है, यानी कि दो लोग हो गए, यू एंड योर फ्रेंड, यानी दो लोग हैं। यानी कि अगर बच्चों अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखें तो सबसे पहले वो कोई भी हो सकते हैं, यानी कि 100 C2। तो आप पहले तो ये लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, लिख लीजिए पहले टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ऑफ सेलेक्टिंग टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। सर यस बेटा, सर फर्स्ट पार्ट में 40 C2 प्लस 60 C2 अपॉन 100 C2 आ जाएगा, और सेकंड पार्ट में इसी को 1 से माइनस कर देंगे। ओके, चेक करते हैं अभी, वैसे बता तो सही रहे हो। चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल इवेंट क्या है कि यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन।
अब बच्चों या तो हम 40 बच्चों से में चले जाएं या तो हम 60 बच्चों में चले जाएं, यही तरीका हो सकता है। अगर दोनों लोग सेम सेक्शन को बिलोंग करेंगे तो यहां पे दो सेक्शन है, तो या तो हम 40 बच्चों में से दो बच्चे हो सकते हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त, या 60 बच्चों में से दो दोस्त हो सकते हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो उसका तरीका क्या होगा? एक होगा 40C2 डिवाइडेड बाय 100C2 प्लस एक तरीका हो सकता है 60C2 डिवाइडेड बाय 100C2, जिसको हम ऐड करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 40C2 प्लस 60C2 डिवाइडेड बाय 100C2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या किया गया है? ये वो मेथड हो गए जब सेम सेक्शन से बिलोंग करते हैं। जब सेम सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो ये मेथड है। अब सेम सेक्शन से बिलोंग नहीं करने चाहिए, डिफरेंट सेक्शन होने चाहिए, तो हम इसी को 1 से माइनस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया इसको बच्चों? यस सर। यस सर। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? किसी ने सिंप्लीफाई किया? सर एक मिनट का। तो बच्चों सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करिए, मैं भी रफ में कर देता हूं एक मिनट। ये बच्चों आएगा सिंप्लीफाई करने पर 17/33, और जब आप बी पार्ट का आंसर निकालेंगे तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16/33। दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, चेक करिए। यस सर। तो बच्चों ये मेरे को लग नहीं रहा है कि एक्सरसाइज टफ है, अगर आप घर पे भी अटेम्प्ट करेंगे तो घर पे भी आपसे हो जाएगा, टफ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दो तीन स्किप कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 तब तक आप इसका आंसर निकालते रहिए, यही आएगा। सर एक बार 6th का हिंट दे दीजिए। 6th का अभी बताते हैं, 7th लिख लिया है, 7th बताते हैं, फिर हम 6th बता देते हैं। ओके सर। 7th लिख लिया ना, पहले 7th बता देते हैं फिर 6th करते हैं। ओके बच्चों यहां पे लिखा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0.54, पी बी 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सब हमको दिया हुआ है। पूछ रहा है सबसे पहले पी ए यूनियन बी, कहो कि सर ये तो बहुत आसान है, पी ए यूनियन बी तो आप गला फाड़ फाड़ के बहुत बार बता चुके हैं। पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, पी ए कितना है 0.54, 0.69 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.35, ये वैल्यू हो गया। ठीक है बच्चों, 0.88 ये 7 का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। लिखा है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसके लिए तो मैंने आपको एक बार शायद डी मॉर्गन्स लॉ बताया है, और डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा बता देते हैं शायद अगर नहीं पता है। ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको सेट्स में ऐसा पढ़ाया जाता है। यस सर। इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, और बच्चों इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। आप इनका वेन डायग्राम बना के या कुछ सेट्स बना के इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। तो बच्चों ये वैल्यू जो लिखी है, जो आपको निकालनी है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो पी ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से। जो आपको निकालना है उसको रिप्लेस कर सकते हो पी ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से।
तो किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करो, आप वन माइनस उस इवेंट को माइनस कर दो। तो बच्चों ये तो वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, ये वैल्यू है 0.88, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगी 0.12। यस बेटा, गुड। थर्ड पार्ट उसके बाद है बच्चों, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी। ये मैंने शायद थ्योरी में बताया भी होगा, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ए बट नॉट बी, ठीक है ना। मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ये इसका मतलब होता है। ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो ए और बी दोनों में कॉमन है। अब इसको वेन डायग्राम से भी देखेंगे तो यही निकल के आएगा। तो पी ए आपका बच्चों जो है वो 0.54 है, और ए इंटरसेक्शन बी बच्चों आपके पास गिवन है क्वेश्चन में वो 0.35 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.19। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं वेन डायग्राम से भी दिखा दूंगा कि ए बट नॉट बी का मतलब पी ए माइनस बी होता है। मतलब ए में से ए के और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दोगे तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, फोर्थ में क्या लिखा है। फोर्थ में लिखा है बच्चों पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये तो वही काम हो गया कि हम क्या करेंगे, पी बी में से माइनस कर देंगे पी बी माइनस ए। ठीक है, मतलब पी बी इंटरसेक्शन ए, ये इसका मतलब हुआ। बच्चों उसको आप लोग निकाल लो अपने हिसाब से, ये वैल्यू निकल के आएगी 0.34। यस 0.34, तो ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। चलिए, सबका हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। ओके, तो सेवेंथ हो गया कंप्लीट। तो आप कह रहे हो कि सर एक बार सिक्स्थ बता ही दीजिए, ठीक है सिक्स्थ बताते हैं। ये हो गया सिक्स्थ। अच्छा चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन तो बताना ही है, साथ में मैं आपको एक और बात भी डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो एक और बात मैं कैसे डिस्कस करूं, चलो पहले मैं सिक्स्थ ही बता देता हूं। चलो मैं सिक्स्थ क्वेश्चन को बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, सब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, थ्री लेटर्स आर डिक्टेटेड, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, थ्री लेटर्स आर डिक्टेटेड टू थ्री पर्संस एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच वन ऑफ देम, द लेटर आर इंसर्टेड इनटू एनवेलप एट रैंडम। यानी कि पत्र तो लिखा गया, लेकिन पत्र लिखने के बाद उनको जो एनवेलप में डाला गया है वो एनवेलप में रैंडमली डाल दिया गया। भाई तीन लोग हैं, एनवेलप में उनकी एड्रेस लिखी गई, तो हर लेटर का एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर होगा, यानी हर लेटर का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एनवेलप होगा जिसमें उसकी सही एड्रेस होगी, लेकिन उनको डायरेक्टली सही एड्रेस वाले एनवेलप में लेटर को ना डाल करके उन तीन लेटर्स को रेंडमली डाला गया है, ये इसका मतलब हुआ। द लेटर्स आर इंसर्टेड इन टू एनवेलप एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली वन लेटर, वो तो हो ही गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। ये कह रहा कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हर कम से कम एक लेटर एक प्रॉपर एनवेलप में आ जाए, कम से कम एक लेटर। तो बच्चों अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उसमें आपको मैं लिखवा देता हूं थोड़ा, कोई बात नहीं। यहां पे लिखिए आंसर, आप ऐसे लेट कर लो, अगर आप सोच नहीं पा रहे तो आप लेट कर लो। लेट L1 L2 L3 बी थ्री लेटर्स, अगर आप इसे सोच नहीं पाते हो तो आप इसे लिख लिया करो। L1 L2 L3 आपके ये तीन लेटर्स हैं एंड
E1, E2 and E3 there मैंने क्या बताया था corresponding envelope, ये इनके corresponding envelope है, ठीक है। अब तुमने कहा कि ठीक है सर L1, L2, L3 है, E1, E2, E3 है, लिफाफा खाली कोई नहीं रहा है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि कम से कम एक लिफाफे में सही लेटर चला जाए, उसकी क्या फेवरेबल इवेंट होगी। तो तुम कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, हम बना करके देख लेते हैं। तो हमने बना करके चेक कर लो, बोले मान लो L1 में गया E1, मान लो L1 में गया E1, लेकिन L2 चला गया किसमें, E3 में, और L3 चला गया E2 में। तुम कहोगे सर एक तरीका ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई और तरीका तुम्हारे साथ, तुम कहोगे सर L2 चला गया E2 में लेकिन बाकी दो में फेरबदल हो गया, L1 चला गया E3 में और L3 चला गया E1 में। मान लो सर L3 E3 में चला गया लेकिन बाकी दो में गड़बड़ हो गया, तो L1 चला गया E2 में और L2 चला गया E1 में। बोलो भाई समझ में आया। सर एक ये भी तरीका हो सकता है कि हर कोई एक सही एनवेलप में जाए, मतलब L1 E1 में जाए, L2 E2 में जाए, L3 E3 में जाए, ये भी हो सकता है। क्यों भाई? सर एक ये भी तरीका हो सकता है कि L1 E2 में जाए, L2 E3 में जाए, L3 E1 में जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। सर एक ये भी तरीका हो सकता है कि L1 E3 में जाए, L2 E1 में जाए, L3 E2 में जाए। क्या और कोई तरीका हो सकता है? जब हम रेंडमली लेटर्स को इन एनवेलप में पोस्ट करेंगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या पोस्ट करने का कोई और मेथड हो सकता है? मैंने सारी पॉसिबिलिटीज अपने हिसाब से लिखी है, आप एक बार चेक करो इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से वो वाले आउटकम्स किसमें हैं जिसमें कम से कम एक लेटर सही एनवेलप में पोस्ट हो। तो तुमने कहा सर एक तो ये हो गया सही एनवेलप में पोस्ट हुआ है, एक ये हो गया सही एनवेलप में पोस्ट हुआ है, एक ये हो गया सर कम से कम लिखा है। तो एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे सही एनवेलप में पोस्ट हो जाए, ये भी एक मेथड हो सकता है। तो सर यहां से लेकर के यहां तक जो मेथड है ये फेवरेबल इवेंट्स हो गए, कितने में से, आउट ऑफ 6। क्योंकि अगर आपके पास और भी कोई दिमाग में पेयरिंग बन रही है इन लेटर्स और एनवेलप को लेकर के, तो आप मेरे को बता सकते हैं, लेकिन और कोई बनेगी नहीं, चाहे आप बना करके देख लो, क्योंकि ये तीन ही तो लेटर्स है L1, L2, L3 और पोस्ट भी करना है E1, E2, E3 में। तो मैंने एक वे ये बताया, एक वे ये, ठीक है, और ये सारे तरीके हमने बता दिए। तो उसका मतलब बच्चों सही वाले जो आपके फेवरेबल इवेंट है वो कितने हैं, 4 है आउट ऑफ 6। तो आंसर कितना आया, 2/3। बोलो समझ में आया, समझ में आया बच्चों? यस सर, थोड़ा थोड़ा। ओके, तो मैंने सारे वेज आपको लिख करके इसलिए प्रॉपर बताया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, लेकिन ज्यादातर लोग बताते नहीं है, लेकिन मैंने आपको एकदम खुल करके बताया कि इतनी तरीके से लेटर के वो पोस्ट कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर मेथड है क्वेश्चन को करने का। फिर भी सर समझ में आए तो मैंने बताओ, मैंने मतलब सारी चीजें लिख दी कि कैसे क्या हो सकता है, मतलब इसमें एक भी चीज मिस आउट नहीं की। आपके दिमाग में कोई और पेयरिंग हो तो बना के देख लो, बनेगी नहीं मैच नहीं करेगी, मतलब रिपीट कर जाएगा, आप पहले बना के देख लो, जैसी पोस्ट करो। मान लो तुम्हारे बगल में कोई बैठा है, मान लो क्षितिज ने मिलित को एक पोस्ट भेजा, ऐश्वर्य ने मिलित को भेजा, तो तुम लोग आपस में तीन लोग हो और तीन ही लोग आपस में एक दूसरे को पोस्ट करो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा नंबर ऑफ वेज। और ना समझ में आया तो जैसे मैंने लिख करके बताया L1, L2, L3, E1, E2, E3 इस तरह से करो तो भी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां तो चिट्ठी चली गई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, तो ये तो कर ही सकते हो आप लोग, कि ये भी डिफिकल्ट लग रहा, चेक करो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को करना स्टार्ट करिए सभी लोग। क्या सब लोग ने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 9? अपने आप करिए, मैं आपको टाइम देता हूं, तब से मैं ही क्वेश्चंस कर रहा हूं। चलिए आप लोग भी करिए, मैं पॉज कर देता हूं। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें लिखा हुआ है इफ फोर डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, ठीक है, चार डिजिट का नंबर है लेकिन 5000 से बड़ा है। इफ फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7, बच्चों इन डिजिट्स को यूज करके आपको फोर डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो फोर डिजिट का नंबर क्या हो, वो 5000 से बड़ा हो। क्या होना चाहिए? 5000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लो जब डिजिट्स रिपीट करती है। तो सबसे पहले बच्चों ये आपका फोर डिजिट का नंबर, आप चाहते हो वो नंबर आपका क्या हो, 5000 से बड़ा हो। तो इसका मतलब इस प्लेस पे 5 या 7 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है या तो 7 आ सकता है, यानी कि इन दो में से कोई भी एक आ सकता है। मान लो आपने कोई भी एक यूज कर लिया, उसके बाद बच्चों जो आप यूज कर चुके हैं उसी को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। तो यानी इस वाली प्लेस पे जो आप फर्स्ट प्लेस पे यूज कर चुके हैं उसको आप सेकंड प्लेस पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। तो यानी सेकंड प्लेस में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, यानी कि यहां पर 5 तरीके, सिमिलरली यहां भी 5 तरीके, यहां भी 5 तरीके, यानी कि जो नंबर आपका 5000 से बड़ा है उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप उनको बताओगे तो आएंगे 2 × 5 × 5 × 5, ये होंगे। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी सर? 250। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, और अभी भी ना समझ में आए तो आप हमको बताइएगा सर। हाँ बेटा, सर इसमें माइनस भी तो करेंगे, क्योंकि 5000 अगर हम लोग लेंगे तो 5000 होगा। यही हम सोच रहे थे कि कोई बोले तो इसमें से अगर हम फर्स्ट प्लेस पे 5 लगा देंगे और बाकी जगह डिजिट्स का रिपीटेशन होगा तो उसकी जगह से नंबर बन जाएगा 5000, और नंबर हमें चाहिए 5000 से बड़ा, तो वो वाला नंबर हम माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके 249। तो बच्चों अब आपको इन 249 नंबर्स में से वो वाले नंबर बताने हैं फोर डिजिट के जो डिविजिबल हो, किससे? 5 से, ठीक है ना। तो बच्चों अगर नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उसका अब आपको मेथड देखना होगा कि 5 से डिविजिबल वाले नंबर इसमें कितने हो सकते हैं। तो फिर आप क्या करो, फेवरेबल इवेंट बनाने के लिए आप 4 बॉक्स बना लो, ठीक है। अब आप यहां पर पहले सोचो कि अगर 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपके पास लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस 0 और 5, 0 या 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है तो यहां भी 5 हो सकता है, यहां भी 5 हो सकता है। और बच्चों ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, 5000 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यानी 5000 से बड़े नंबर में फर्स्ट प्लेस पे 5 या 7 आ सकता है। तो यहां पे बच्चों जो टोटल बनेगा वो बनेगा 2 × 5 × 5 × 2, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 5 = 10, ये वैल्यू आएगी 100। तो क्या ये 100 सही है कि इसमें से हमें कुछ करना पड़ेगा? तो बच्चों इन 100 में से तुम कौन, इसके लिए भी वही मेथड लगाएंगे 5000 के माइनस, इसमें भी एक वो नंबर आ जाएगा जो डिविजिबल होगा 5 से, लेकिन वो 5000 हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है।
इसलिए हम उसमें से वन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 99। यानी आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा वो आएगा 99/249। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट का आंसर। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है। सेकेंड पार्ट में लिखा है द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि अब आप सारा काम कर सकते हैं जो आपने पहले वाले केस में किया, बिल्कुल उसी तरह से सोचते हुए अब आपको सेकेंड केस बनाना है और सारा काम करना है। चलिए, लेकिन बस यहां ध्यान रखिएगा डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मेरे को आप डायरेक्टली आंसर बता दीजिए अगर किसी ने कैलकुलेट किया उसको। सेकेंड पार्ट किसी ने कैलकुलेट किया है? सेकेंड नहीं आ रहा था, सेकेंड नहीं आ रहा है। तो सेकेंड वाले में लिखा है डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम हमारे पास जो नंबर है वो है तो 5000 से बड़ा, तो 5000 से बड़े के लिए यहां पर 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, है ना। और अगर 5 और 7 में से मान लो कोई एक नंबर भी आ गया तो वो नंबर रिपीट नहीं हो सकता। यानी अब आपके पास कितने नंबर बचे? ये 4 नंबर बचे, तो यहां पे हो गया 4, और मान लो उसमें से कोई एक यूज हो गया तो बचे 3, फिर उसमें से एक यूज हो गया तो बचे 2। यानी ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? 48। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बच्चों वो नंबर चाहिए इन 48 नंबर में से जो 5 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो जरा 5 से डिविजिबल आप बताइए वो कितने होंगे इन 48 नंबर्स में से। 5 से डिविजिबल भी हो और 5000 से बड़े भी हो, वो नंबर कितने होंगे वो हमको सोच के जल्दी से बताइए। बताइए भाई, सही एक मिनट, अपने आप भी करिए धीरे धीरे, आपसे भी होगा। जैसे सोचने का तरीका बता रहे वैसे आप भी सोचा करो, एक्सप्लेन कर दो ना इतना ज्यादा। सर 6 6 सर 18 तो 6 कैसे आया बेटा? सर 5 की डिविजिबल पूछे ना आपने। हाँ तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए चलो मैं बना देता हूँ, एक मिनट बॉक्स ही बना लेता हूँ। सर 18 हाँ हाँ अभी देखते हैं बेटा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले 5 से डिविजिबिलिटी के लिए तुमने इस प्लेस पे क्या रखा बेटा? इस प्लेस पे क्या रखा? 5 और 0 5 और 0 रखा है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 2, ठीक है। यस सर। और अगर मान लो आपने 5 यूज कर लिया, भाई जो नंबर है वो नंबर पता है, रिपीटेशन नहीं है ना सर। यस हाँ, मान लो हम नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर है आपके 01357, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 यूज कर लिया तो बचे हुए नंबर कितने हुए? 4। तो क्या फर्स्ट प्लेस में 0 आ सकता है? 0 तो आ नहीं सकता है। नो सर। तो फर्स्ट प्लेस में क्या आ सकता है? 7। फर्स्ट प्लेस में 7 आ सकता है, तरीका सिर्फ एक है, नहीं 3 नहीं आएगा। अगर 3 आ गया तो 5000 से छोटा नंबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, 5000 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो हमने यहां पर यूज किया है 5 और यहां पे यूज किया आपने 7, तो वो नंबर फिक्स हो गए। अब बचे कितने नंबर? 3। 3 तो 3 नंबर हम कहां डालेंगे? 3 नंबर वो यहां पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो सकते हैं, ये तो 3×2×2 हो गए, ये तो 12। 12 3 इंटू टू इंटू
हाँ ये तो 12 हो गई, ये 12 कहां से आया? 12 तुम लोग तो 18 और 6 बता रहे हो सर। 18 इस तरीके से अगर हम लोग मतलब जहां हमने 7 लिया है अगर वहां 5 ले लें तो वहां 1 टाइम आ जाएगा, एंड लास्ट हाँ। वाली प्लेस पे सिर्फ 0 आ जाएगा तो वहां 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 × और ये 3 × 2। ओके देखो तुम लोग सही सोच रहे हो। तो बेटा सबसे पहले ये आपका एक मेथड सोचने का था, रेगुलर मेथड। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि आप लोग के आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी बात आपको लिखवा ही देता हूँ, उससे आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। लिखिए, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और फ्यूचर में याद भी रखिएगा। लिखिए, वेन द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस is 5। मैं सारी बातें आपको लिखवा दे रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। When the digit at the thousand place is 5, the unit place can be filled only with 0 and tens and hundred places can be filled with any two of remaining three digits. Hence, number of four-digit number starting with 5 and divisible by 5 is क्या होगी 3 × 2 which is equal to 6। तो आप हमको ये वाला आंसर बता रहे थे जो आप हमें कहीं से भी एक्सप्लेन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप हमको शायद ये बात बताना चाह रहे थे कि सर अगर हम यहां पर 5 प्लेस कर दें तो उसका तरीका एक है, और अगर हम 0 प्लेस कर दें तो उसका एक तरीका एक है, यानी बचे हुए नंबर कितने हैं? बचे हुए नंबर आपके कितने हुए? ध्यान से देखिए, 4 डिजिट का नंबर है तो बचे हुए नंबर आपके कितने हुए? तो 3 बचे नंबर, तो 3 × 2 तरीके से आ सकते हैं बाकी जगह। मैंने यही तो बोला था, तो ये वैल्यू आ गई 6। हाँ 18 कैसे आएगा? अच्छा सर 12 एंड 6 ऐड कर दिए थे। कैसे? जैसे अभी बताया सर, एक तरीका वो था जहां 7 रखा था, एक तरीका ये 5 था, तो दो पार्ट्स में किया एंड ऐड अप कर दिए तो टोटल 5 से डिविजिबल हो गया ना। हाँ, तो यानी कि अभी जो मैंने इससे पहले वाला एक मेथड डिस्कस किया था वही मेथड से आपके पास 12 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा और ये एक 6 भी आ सकता है, तो 12 और 6 मिला के 18 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं, हो सकता है आपको याद ना रहे। लिख लीजिए, व्हेन द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस इज 7, ठीक है, यही वाला मैंने अभी बताया था। द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज आइदर 0 or 5, एंड टेंस प्लेस या टेंस एंड हंड्रेड दोनों साथ लिख दीजिए, एंड टेंस एंड हंड्रेड प्लेसेस can be filled with any two of remaining three digits। ठीक है, तो आपके पास 4 डिजिट नंबर आ गया जो 7 से स्टार्ट होता है और 5 से डिविजिबल है, तो यहां पे 7 से स्टार्ट होगा, यहां पे 0 और 5 आ सकता है, यहां पे 3 तरीके होंगे, यहां पे 2 तरीके होंगे, यानी टोटल हो गए 12। तो इसका मतलब यहां पे 2 तरीके हैं, या तो नंबर 7 से स्टार्ट हो या तो नंबर 5 से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब हो गया 12 + 6, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 18।
और आपका आंसर हो गया फाइनली सेकंड पार्ट का 18/40 विच इज इक्वल टू 3/8। दिस इज योर फाइनल। तो बच्चों मैंने सारी बातें आपको लिखवा दी ताकि आप भूले बिल्कुल नहीं, आपको याद रहे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को याद रहेगा, आप तो भूलेगा कोई नहीं। तो सबको याद रहेगा? यस सर। ओके, तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आप काफी आसान तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है,